हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज है रविवार और अभी निकल के चला है बीच की तरफ। हमने कहा चलो आज थोड़ा घूम आते हैं और अभी दोपहर के 11:30 बज रहे हैं, मतलब 12:15 के आसपास का समय जो है वो हो चुका है। तो चलो चलते हैं और आज की इस वीडियो में जो है दमन का बीच वापस से चल के दिखाएंगे और थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को और देंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज जो बात करने वाले हैं वो है यहाँ पर, अगर घूमने के हिसाब से आ रहे हो तो यहाँ पे रूम वगैरह का कैसा क्या सिस्टम है। मैं वैसे तो हमेशा जो है दमन के अंदर जो है रूम आप लोगों को बताता रहा, वो चाहे नानी दमन हो या फिर जो सिटी सेंटर है, बस स्टैंड है, उसके आसपास का एरिया हो। नानी दमन के लिए जो है मैं वो आप लोगों को जानकारी देता रहा, लेकिन कभी मैंने जो है देवका बीच की तरफ जो है आप लोगों को नहीं बताया कि रूम वगैरह का कैसा क्या है। हाँ, एक दो वीडियो में पहले कभी बताया था, लेकिन अभी मैं बताऊँ कि अगर आप लोग अभी आते हो यहाँ पर घूमने के लिए, तो यहाँ पर जिस गली पर हूँ मैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे जो है गेस्ट हाउस या फिर रूम वगैरह की जो सुविधा है, होम हाउस, वो सारे बने हुए हैं। तो मतलब काफ़ी सस्ते में रूम आप लोगों को मिल जाएगा यहाँ पर। और वैसे हो सकेगा, अगर होगा तो मैं किसी यहाँ पर जितने भी रूम वगैरह बने हुए उनको स्पॉन्सर फ्री में करूँगा, तो देखता हूँ। बाकी आगे आने वाले समय बताऊँगा। इधर पर जैसे कि ये देखो, एक LJ है हाउस और एक RJ विला, ऐसे ही और भी बहुत सारे हैं यहाँ पर। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग घूमने आ रहे हो और सस्ते में रूम चाहिए, क्योंकि भाई बीच के किनारे लोग हैं तो बहुत ही एक्सपेंसिव रूम यहाँ पर मिलने वाले हैं, लेकिन अगर आप लोग जो है ऐसी जगह पे लेते हो, यहाँ से बीच की महज दूरी जो है वो 300 मीटर के आसपास है। 300 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 300 मीटर अगर व्हीकल वगैरह है आपके पास में तो 300 मीटर के आसपास में जो है यहाँ पर पड़ता है। और यहाँ पर हाउस वगैरह जो है वहाँ पर भी रूम मिल जाते हैं रुकने के लिए। ये लोग जो है अपना क्या घर पे ही सुविधा किए हुए हैं, बाकी इस तरह के जो है विला वगैरह भी बना रखे हैं। तो जो है यहाँ पर रूम वगैरह जो है काफ़ी सस्ते मिल जाएंगे कंपेयर टू जो देवका बीच का जो सी फेस एरिया है उधर पे या फिर नानी दमन पे। तो यही एक अपडेट है। और घूमने के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ आप घूम सकते हो, तो वो आप लोगों को अलग वीडियो देखने को मिलेगा। वैसे बहुत सारी प्लेसेस हैं और बहुत सारी अभी प्लेसेस और भी हैं, अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, बहुत सारी हिडन प्लेसेस हैं जहाँ पर आप इस आने वाली बरसात के मौसम में घूम सकते हो। बहुत सारे लोग ये पूछना चाहते होंगे कि भाई यहाँ का टेम्परेचर कैसा है, कैसा क्या यहाँ पर गर्मी होती है, क्योंकि ये जो एरिया है ये गुजरात और मुंबई के बीच में पड़ता है। तो गर्मी तो भाई है, लेकिन यहाँ पर उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है ठंडी हवा बहती रहती है। तो उसकी वजह से टेम्परेचर जो आज का टेम्परेचर अभी का है, अभी दोपहर के 12 बज रहे हैं और अभी 32 है, तो उतना ज़्यादा खास भी नहीं है। आज हल्का बादल है, नहीं तो मैक्सिमम जो टेम्परेचर है यहाँ पर 35 जाता है, और कानपुर या फिर मेरे इधर पर तो भाई 48-50 तक टेम्परेचर जो है वो जाता है। मैं अभी बीच के किनारे चलते चलते आ चुका हूँ भाई। अभी आ चुके हैं हम देवका बीच वाले रोड पे। ये इधर पे जो है देवका बीच है और इधर से भाई ये देखो शॉर्टकट है, तो यहाँ से शॉर्टकट लेके जो है हम सीधे बीच पे निकल चलेंगे। तो यही है भाई, ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल पास में ही। यहाँ पर बहुत सारे विला, बहुत सारे हाउस वगैरह बने हैं जहाँ पर आप रह सकते हो और काफ़ी सस्ते में, क्योंकि इधर पे अगर आप जाते हो ये देवका बीच पे तो भाई 4,000, 2,500, 3,000 ऐसे रूम आप लोगों को मिलने वाले हैं एक नाइट के। और बाकी यहाँ पे तो भाई सस्ते मिल जाएंगे, क्योंकि वो भाई सी फ्रंट सी है, बट जो है यहाँ से भी आप जो है 10 मिनट के दूरी पर जो है वो चले जा सकते हो। 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप लोग जो है रूम इधर पे भी ले सकते हो। तो बाकी चलो अभी हम बीच के किनारे आ गए हैं और थोड़ा बहुत दिखाते हैं। लहर थोड़ी जो है वो अंदर की तरफ है, अभी किनारे लहर नहीं आई है, तो चलो चलते हैं और आप लोगों को चल के दिखाते हैं भाई। लहर जो है वो काफ़ी अंदर है, तो हमने सोचा चलो आज थोड़ा अंदर चल के जो है लहर का दिखा देते हैं भाई आपको अंदर से कैसा क्या है। बाकी ये है बीच का किनारा, वो उधर पर जो है देवका बीच है, और इधर पर जो है ये है कड़ैया बीच, और ये अर्बन फॉरेस्ट का जो है बीच एरिया है। तो यही कुछ है माहौल। बाकी लहर तो भाई काफ़ी अंदर है, करीब जो है यहाँ से होगी 200 मीटर होगी आसपास। चलो चलते हैं। और भाई हवा तो काफ़ी बढ़िया लग रही है, आप लोगों को दिख ही रहा होगा कि हवा वगैरह जो है चल रही, आवाज़ आ ही रही होगी। तो यही है भाई, मेरा माइक था ना भाई, वो जो मैं लगा के वीडियो शूट करता था वायरलेस वाला, वो भी ख़राब हो चुका है। इसकी वजह से जो है नॉइस का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा होगा वीडियोज पर, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलते चलते करीब जो है 300-400 मीटर आगे आ चुका हूँ, और अभी जो है लहर मिलने का नाम नहीं ले रही है, लहर जो है अभी काफ़ी दूर दिख रही है। और भाई साहब अभी बीच पे आ चुका हूँ मैं, और ये देखो ये लहर भाई, ये देखो लहर,
ये कुछ इस तरह से जो है लहर यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। पानी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और अभी कुछ माहौल ये है कि भाई देखो काफ़ी सारे लोग जो है घूमने के लिए आए हुए हैं। दोपहर का भी जो है 12 बजा हुआ है और काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल मैं जो है सबसे अलग खड़ा हुआ हूँ क्योंकि जो है मुझे शूट करना है वीडियो। और ये कुछ इस तरह से देख रहे हो लहर जो है वो लगातार चली आ रही है यहाँ पे। तो ये कुछ इस तरह से है भाई नज़ारा। और इधर पे अगर आप देखो कितने सारे लोग जो है वो सामने आप लोगों को देख रहे होंगे। तो भाई वो देवका बीच आप लोग देख सकते हो, सामने जो है देवका बीच का नज़ारा जो है वो कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा है। और इधर पे काफ़ी सारे लोग जो है वो बीच के किनारे हैं। और ये जो लोग हैं ये देखो ये फिशिंग करते हैं यहाँ पे, मतलब जो केकड़ा वगैरह जो है मछली वगैरह पकड़ते हैं। और दूसरे एरिया पे देखो भाई उधर पे पानी जल्दी से जा रहा है। वो जो कड़ैया बीच का एरिया है, गुजरात का एरिया है, वो उधर पे पानी जो है तेज़ी के साथ जा रहा है। फिलहाल यहाँ पे जो लहर है यहाँ पर आ चुकी है और पानी जो देख सकते हो ये जो है धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये देख सकते हो ये कुछ इस तरह से जो पानी अभी बढ़ता चला जा रहा है और मेरे चारों तरफ पानी पानी हो गया है भाई। ये माहौल कुछ यही है कि भाई पानी जो है वो अभी आ रहा है और यहाँ का पत्थर थोड़ा सही नहीं है। मतलब ये जो एरिया है वो अर्बन फॉरेस्ट के सामने का एरिया है। इधर पे अंदर साइड पे जो है पत्थर जो है जो आप लोगों को दिख रहा है ना, इसमें सारे में शंख जमे हुए हैं। और अगर वो शंख वाला ले जगह पे आप लोग पैर बिना चप्पल का या स्लीपर का आप लोग रख दोगे तो भाई पैर जो है वो छिल जाएगा आपका। और ये देखो भाई ये जिसमें मोती होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे यार सीप का जो है कवर है यहाँ पे। और एक इसका जो है दूसरा हिस्सा जो है वो गायब हो चुका है भाई, मोती मिलने से रह गया, नहीं तो मोती मिल जाता भाई मुझको एक। तो चलो भाई चल रहा हूँ इधर से। क्या है भाई, यही है, आया था हमने कहा चलो भाई कहीं टीपी मिल जाएगी शायद तो माला माल हो जाएगी। वैसे पता नहीं मोती कितने में बिकता है वो तो नहीं पता है, लेकिन ये देखो ये है लहर और कुछ इस तरह से नज़ारा है समुद्र का। बाकी आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे और भी वीडियो हमारे चैनल पर आते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आप दमन में क्या क्या देखना चाहते हो वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। साथ में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दमन में, मार्केट में जाके लोगों से पूछूंगा कि जो लोग दमन में रहते हैं उनको जो है दमन कैसा लगता है, साथ में उनका जो है रहने का खाने का खर्चा वगैरह कैसा क्या आता है। मतलब अगर आप दमन में रहना चाहते हो तो कैसा क्या पूरा खर्चा आता है मैं खुद नहीं बताऊंगा, लोग बताएंगे आप लोगों को। तो वो भी वीडियो जो है वो आगे मैं शूट करूंगा। बाकी लहर जो है देखो पीछे पीछे चलती आ रही है। और यही कुछ था आज का वीडियो। वीडियो देखकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।